होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने पेश कर दी है अपनी सबसे पहली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है CB300F फ्लेक्सटेक। पहली नजर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल CB300F की तरह ही दिखती है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पर इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ है बदला इस मोटरसाइकिल में, आप कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, हम आप तक सारे रिव्यूज और सारी खबरें लगातार लाते रहेंगे। अब आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं इस मोटरसाइकिल के बारे में। सो जो CB300F है वो 300cc सेगमेंट में काफी एक डिपेंडेबल और स्टाइलिश अल्टरनेटिव जरूर रही है। और ये मोटरसाइकिल का भी आप देखेंगे जो डिजाइन एंड स्टाइलिंग है वो पेट्रोल पावर्ड बाइक की तरह ही है, कोई ज्यादा बड़े चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। लेकिन जो इसका टैंक एक्सटेंशन है उस पर आप देखिए, यहाँ पे डीकैल जो है वो बदल दिया गया है, यहाँ पे अब आ गया है फ्लेक्स टेक का डीकैल, वो भी ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, ये बताने के लिए कि ये मोटरसाइकिल एथेनॉल को एक्सेप्ट कर सकती है। आप जरा करीब आएंगे तो आपको यहाँ टैंक पे भी दिख जाएगा स्टिकर लगा है E85, जो ये डिनोट करता है कि ये एक 85% तक का एथेनॉल का ब्लेंड एक्सेप्ट कर सकता है। डिजिटल क्लस्टर पे भी एक साइन है जो आप अभी फिलहाल देख नहीं पाएंगे क्योंकि मोटरसाइकिल ऑन नहीं है, बट वहां पे एक E80+ का वार्निंग साइन है। वो होंडा हमें बताता है कि ये मोटरसाइकिल के इंजन के इंटरनल्स को बदला गया है और साथ ही साथ में ECU को भी अपडेट किया गया है। काफी लोगों के कंसर्न्स होंगे कि एथेनॉल जो है वो करोजिव होता है और शायद इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल लाइफ पे भी असर कर सकता है, लेकिन होंडा ये कहता है कि उनका काम ऐसा रहा है जिसमें उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया है, इस बात पे काम किया है कि इस मोटरसाइकिल की लाइफ भी पेट्रोल मोटरसाइकिल की लाइफ के ही बराबर हो और आपको कोई क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज इसमें ना आए। पर जो एथेनॉल फ्यूल जो है वो नेचुरली इस मोटरसाइकिल को थोड़ा कम फ्यूल एफिशिएंट बना देगा। और ये कहने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से ये मोटरसाइकिल की कीमत भी थोड़ी बढ़ सकती है पेट्रोल मोटरसाइकिल के मुकाबले। उसके अलावा ये बाइक में और कुछ बदला नहीं है, जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है पेट्रोल बाइक की ही तरह, पावर भी सेम है, टॉर्क भी सेम है, जिस रेव लिमिट पे ये पावर बनती है वो भी सेम है। और ये मोटरसाइकिल इसी साल लॉन्च की जाएगी, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि कब आएगी, लेकिन हमें इतना पता है कि इस साल इसका लॉन्च हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी CB300F फ्लेक्सटेक? क्या आप इसमें कोई और बदलाव देखना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इसकी कीमत क्या होनी चाहिए और पेट्रोल मोटरसाइकिल से कितनी ज्यादा होनी चाहिए? हमें आपके ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको भारत मोबिलिटी एक्सपो से और जानकारी चाहिए और न्यूज़ देखनी है तो कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।